इस्तेमाल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर राजश्री है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। ग्लूकोमीटर एक छोटी सी मशीन है जिसकी मदद से आप घर पर खुद से ही खून में शक्कर की जांच कर सकते हैं। बाजार में कई तरह के ग्लूकोमीटर उपलब्ध हैं और जहां से भी आप अपना ग्लूकोमीटर खरीदते हैं वहां पे आपको ये ग्लूकोमीटर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है वो दिखाया जाएगा और आपको ग्लूकोमीटर के साथ एक पर्ची भी मिलेगी जिस पे किस तरह ग्लूकोमीटर इस्तेमाल किया जाता है उसके निर्देश होंगे। ध्यान रहे, जब आप ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करें तो सारे निर्देशों का पालन अवश्य करें। ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करते समय आप तीन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। एक छोटी सी सुई या एक पेन जैसा यंत्र जिसकी मदद से आप अपनी उंगलियों से खून का नमूना ले पाएंगे। एक डब्बी जिसके अंदर कुछ पेपर जैसे टुकड़े या पेपर स्ट्रिप्स होंगे जिसपे हम इस खून की बूंद को डालेंगे। और एक छोटी सी मशीन जिसमें ये पेपर का टुकड़ा लगाकर हम खून में शक्कर की मात्रा की जांच कर पाएंगे। आइए जानें कि जब हम खून का नमूना लेने जाएं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, नमूना लेने से पहले हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोएं और पूरी तरह से तौलिए से पोंछकर उंगलियों को सुखा लें। आपकी उंगलियों पर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए जब आप खून का नमूना लेने जा रहे हैं। दूसरी बात, मान लीजिए आप इस उंगली से खून का नमूना ले रहे हैं, अगर आप देखें तो उंगली का एक मध्यमी भाग है और एक थोड़ा सा बगल का हिस्सा है। जहां तक हो सके खून थोड़ा सा बगल से लें। मध्यमी भाग में अगर आप सुई को चुभाएंगे तो दर्द होने की संभावना ज्यादा होती है। और जब खून की बूंद आपको उंगली के ऊपर दिखने लगे तब बहुत ज्यादा उंगली को मसल कर खून निकालने की आवश्यकता नहीं है। इससे आपकी शक्कर की मात्रा की जांच करते समय मात्रा में अंतर भी आ सकता है। अगर आप दिन में 2-3 बार खून की जांच कर रहे हैं या आप रोज आपको खून में शक्कर की जांच करने को कहा गया है तो हर दिन अलग अलग उंगली से खून का नमूना लें। एक ही उंगली से अगर आप रोज नमूना लेने का प्रयत्न करेंगे तो वहाँ की जो त्वचा है वो थोड़ी सी मोटी हो जाएगी और आगे जाके आपको खून का नमूना लेने में तकलीफ हो सकती है। खून का जो बूंद है, खून की बूंद, इसको अब हम पेपर के टुकड़े पे जब हम डालेंगे तो ध्यान रहे जिस डब्बे में वो पेपर के टुकड़े या पेपर स्ट्रिप्स हमें मिले थे हम उन्हें उसी डब्बे में हमेशा रखें। उसे बाहर निकाल के किसी और डब्बे में या कहीं और रखने का प्रयास हम ना करें। जैसे ही आप पेपर का वो टुकड़ा निकालें तभी उस डब्बे को कसकर बंद कर दें। इस डब्बे को धूप से, नमी से और गीलेपन से बचाना बहुत ही आवश्यक है। इस डब्बे पे एक दिनांक या एक डेट होगी। उस डेट के निकल जाने के बाद इस डब्बे में जो पेपर के टुकड़े हैं इन्हें आप इस्तेमाल ना करें। एक्सपायरी डेट जिसे कहते हैं, अगर वो निकल चुकी है तो नए डब्बे खरीदें और नए पेपर के जो स्ट्रिप्स हैं उनका आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा जिस समय पे आपको खून का नमूना लेकर जांच करने का निर्देश आपके डॉक्टर ने दिया है उसी समय पर खून की जांच करें। और एक जानकारी आप जो लिख सकते हैं वो ये है कि दिनांक जब आपने खून का टेस्ट किया, अगर आपने खाली पेट टेस्ट किया है तो वो जानकारी आप अपने पास रखें, या खाना खाने के बाद अगर आपने टेस्ट किया तो कितने बजे आपने खाना खाया, और अगर आप डायबिटीज़ की दवाई या इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं तो किस मात्रा में आपने वो इंजेक्शन या दवाई ली और कितने बजे आपने खून की
जांच करी और खून में शक्कर की मात्रा क्या थी। इस जानकारी को अगर आप अपने पास रखेंगे तो जब आप अपने डॉक्टर के पास सलाह करने जाएंगे, ये जानकारी आपके डॉक्टर के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती है और ये आपके इलाज में मदद करेगी। हमें आशा है अगली बार ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करते समय आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी था। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।